राइट दैट इज बहुत सारी लाइट्स यहाँ पे ब्लिंक होती होगी राइट right? एक है कि इंटरनेट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है दूसरा ये होगा कि आपका कंप्यूटर ये पर्टिकुलर मॉडेम के साथ अच्छी तरह से अटैच है कि नहीं है राइट right? ये सारी चीजें यहाँ से लाइट के थ्रू इंडिकेट होती है नाउ व्हाट इज मॉडर्म मॉडर्म एक्चुअली इज द एब्रीवेशन फॉर्म स्टूडेंट्स

कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है राइट फॉर एग्जांपल राउटर स्विच वो सारे डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए काम आता है अगेन आई रिपीट मॉडर्म इज द हार्डवेयर कंपोनेंट की जो आपके कंप्यूटर को या फिर दूसरे जो डिवाइसेस होते हैं फॉर एग्जाम्पल राउटर है स्विच है, है जो दूसरे नेटवर्किंग डिवाइसेस है उन्हें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए मॉडर्म काम लगता है अब ये मॉडेम क्या करेगा ये मॉडेम कन्वर्ट और यू कैन ऑल्सो से मॉड्यूलेट्स अगेन आई रिपीट ये मॉडेम कन्वर्ट करेगा या फिर मॉड्यूलेट करेगा क्या कन्वर्ट या फिर क्या मॉड्यूलेट करेगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा के अंदर वो कन्वर्ट या फिर मॉड्यूलेट करेगा अगेन आई रिपीट मॉडेम का फर्स्ट टास्क क्या है वो कन्वर्ट करेगा या फिर मॉड्यूलेट करेगा क्या मॉड्यूलेट करेगा एनालॉग सिग्नल्स के जो टेलीफोन लाइंस या फिर केबल वायर थ्रू मिलते हैं उन्हें डिजिटल डेटा के अंदर वो कन्वर्ट करेगा राइट अगेन आई रिपीट मॉडेम क्या करेगा कन्वर्ट करेगा या फिर मॉड्यूलेट करेगा क्या मॉड्यूलेट करेगा एनालॉग सिग्नल्स की जो आपके टेलीफोन केबल थ्रू या फिर नेटवर्किंग केबल थ्रू जो मिलते हैं उन्हें डिजिटल डेटा के अंदर वो कन्वर्ट करेगा ताकि आपका कंप्यूटर उसे रिकॉग्नाइज कर सके सिमिलरली डिजिटल डेटा है जो कंप्यूटर के थ्रू आता है उसे वो एनलॉग सिग्नल्स के अंदर भी कन्वर्ट करेगा ताकि वो टेलीफोन लाइन्स के ऊपर हम सेंड कर सकते हैं एंड दिस टास्क इज नोन एज डी मोड्यूलेशन अगेन आई रिपीट ये मॉडम का दूसरा टास्क क्या है कि डिजिटल डेटा जो कंप्यूटर के थ्रू मिलता है या फिर दूसरे जो नेटवर्किंग डिवाइस है उसके थ्रू मिलता है उन्हें वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि हम वो सिग्नल्स को टेलीफोन लाइंस थ्रू हम सेंड कर सकते हैं एंड दिस टास्क और मोर कैन वेकेंसी दिस फंक्शन ऑफ मॉडर्म इज नोन एज डिमोड्यूलेशन मतलब मॉडेम क्या करता है मॉड्यूलेशन करता है और डी मॉड्यूलेशन करता है मॉडेम का नेम है and है एनालॉग सिग्नल क्या और डिजिटल डेटा क्या है वो तो हमने बहुत पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही देख लिया था राइट right? जब हमने कंप्यूटर की डिफरेंट कैटेगरीज या फिर डिफरेंट टाइप्स के अंदर उन्हें डिवाइड किया था Now as I have said that modem converts analog signal to digital data and digital data to analog signal. That's why हम modem को ADC और DAC भी consider कर सकते हैं. That is analog to digital converter and digital to analog converter. Right? लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अगर हम internet के साथ connect करने के लिए fiber optic connection का use कर रहे हैं, then at that time we will not Need modem. Again, I repeat, अगर हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन का यूज कर रहे हैं, है मॉडर्म क्यू क्यों क्यों हमें उस वक्त मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के अंदर जो भी डेटा ट्रांसमिट होते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वो सारे डिजिटल डेटा ही होते हैं देखा कि एक्चुअल मॉडम की जरूरत क्यों पड़ती है बिकॉज हमें एनोलॉग सिग्नल डेटा डिजिटल डेटा तो एनॉलॉग सिग्नल को मॉड्यूलेट और डी मॉड्यूलेट करने की जरूरत पड़ती है

राइट right? और रिसीव्स द डेटा दैट इज इनपुट या फिर नेटवर्किंग के टर्म्स में हम उसे डाउनलोड कहेंगे राइट दैट्स व्हाई मॉडेम इज कंसीडर्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बिकॉज वो डेटा सेंड भी कर सकता है और डेटा रिसीव भी कर सकता है दैट इज वो डेटा अपलोड भी कर सकता है और वो डेटा डाउनलोड भी कर सकता है और नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्म सो फर्स्ट इज ऑन बोर्ड मॉडर्म ऐसा मोडम की जो मदर बोर्ड के ऊपर ही बिल्ट किया गया है अगेना की जो मदर बोर्ड के ऊपर ही बिल्ट किया गया है ऐसे मॉडम को हम ऑन बोर्ड मॉडम कहेंगे ऑनबोर्ड मॉडेम को हम रिमूव नहीं कर सकते हम उसे बायस का यूज करके सिर्फ डिसेबल कर सकते हैं दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये भी ये टर्मिनोलॉजी भी हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ी थी अगेन आई रिपीट जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर ही बनाया गया होता है इसीलिए हम ऑनबोर्ड मॉडम को रिमूव नहीं कर सकते लेकिन अगर हमें उसे डिसेबल करना है तो हम बायस सेटअप का यूज करके उससे डिसेबल कर सकते हैं राइट नाउ अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडम इज इंटरनल मॉडम इंटरनल मॉडेम मतलब ऐसा मॉडेम के जो आपके मदर बोर्ड के ऊपर जो पीसीआई या फिर आई एस एस लॉट है उसके ऊपर कनेक्ट होता है repeat, ऐसा के जो आपके मदर बोर्ड के ऊपर पीसीआई स्लॉट है या फिर आई एस एस लॉट है उसके ऊपर जो कनेक्ट होता है अटैच हो सकता है दट टाइप ऑफ मॉडर्म इज नोन एज इंटरनल मॉडम नाउ अनदर इज एक्सटर्नल मॉडम ऐसा मॉडर्म कि जो कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली अटैच हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सीरियल पॉट या फिर यूएसबी पोर्ट। पॉट अगेन आई रिपीट ऐसा मॉडर्म कि जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकता है लेकिन एक्सटर्नली राइट इंटरनल नहीं बाहर से जो अटैच हो सकता है विद द हेल्प ऑफ यूएसबी पोर्ट या फिर सीरियल पोर्ट मतलब ऐसे पोर्ट्स की जो आपके कंप्यूटर के कैबिनेट के पीछे हमें मिलते हैं तो वो सारे पोर्ट्स में से जो सीरियल पॉट है या फिर यूएसबी पोर्ट पॉट है उसके साथ ये एक्सटर्नल मॉडेम अटैच कर सकते हैं एंड द लास्ट टाइप ऑफ मॉडेम इज रिमूवेबल मॉडेम। रिमूवेबल मॉडेम मतलब हम ये पर्टिकुलर मॉडेम को हमारे कंप्यूटर या फिर मोर प्रेसाइज लैपटॉप के साथ ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं जब भी हमें नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो हम ये मॉडेम को ऐड कर सकते हैं हमारे लैपटॉप के के स्लॉट अंदर, और जब हमें उसकी जरूरत नहीं है तो हम वो लैपटॉप के स्लॉट में से उसे रिमूव कर सकते हैं so यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वॉट इज मॉडेम वो क्या करता है कितने टाइप्स के मॉडेम है नाउल सी वर्किंग ऑफ मॉडम ये डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंप्यूटर है और दूसरी तरफ टर्मिनल है टर्मिनल इज ऑल्सो द कंप्यूटर राइट अब क्या होता है अगर ये पर्टिकुलर कम्प्यूटर को ये टर्मिनल के ऊपर कोई भी डेटा सेंड करना है देन इट विल यूज टेलीफोन नेटवर्क और अगर हम टेलीफोन नेटवर्क का यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे मॉडम चाहिए होगा नाउ वट विल बी दिनारियो ये कंप्यूटर जब भी डेटा सेंड करेगा तो पहले वो टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर जाएगा हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल्स होते हैं दैट इज डिजिटल डेटा होता है और टेलीफोन नेटवर्क को कौन से सिग्नल समझ में आते हैं दैट इज एनालॉग सिग्नल्स उसे समझ में आते हैं सो so, ये मॉडर्म क्या करेगा डिजिटल डेटा को या फिर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर वो कन्वर्ट करेगा अगेन डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल के ऊपर वो कन्वर्ट करेगा ताकि टेलीफोन नेटवर्क थ्रू वो दूसरे कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर के पास ट्रांसमिट हो सके राइट right? अब डिजिटल डेटा एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं तो टेलीफोन नेटवर्क थ्रू ये पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर जाएंगे लेकिन अगेन टेलीफोन नेटवर्क के अंदर एनालॉग सिग्नल है और कंप्यूटर को डिजिटल डेटा ही समझ में आएंगे That's why again ये modem क्या करेगा एनलॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा के अंदर कन्वर्ट करेगा जो उसे ये टेलीफोन नेटवर्क थ्रू मिल रहे है ताकि ये पर्टिकुलर कम्प्यूटर को वो डेटा समझ में आ सके राइट सो स्टूडेंट दिस इज हाउ की कैसे कंप्यूटर और नेटवर्क एंड अगेन नेटवर्क और दूसरे कंप्यूटर के बीच में हम ये मॉडम कैसे यूज कर सकते है या फिर मोर प्रिस मॉडम कैसे वर्क करता है All right. so students, जैसे मैंने आपको बताया कि sending modem क्या करेगा? Modulate करेगा, right? That is data signal में convert करेगा ताकि वो वो में ताकि टेलीफोन लाइन के साथ कम्पर्टेबल बन सके और रिसीविंग मॉडम क्या करेगा डी करेगा डी का मीनिंग क्या है जो भी सिग्नल थे उन्हें डिजिटल डेटा के अंदर वो कन्वर्ट करेगा ताकि कंप्यूटर को समझ में आ सके राइट right?

डिजिटल डेटा को रेडियो सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा और रेडियो सिग्नल्स को डिजिटल डेटा के अंदर वो कन्वर्ट करेगा बिकॉज अगर टेलीफोन लाइन है तो वहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं लेकिन अगर हम वायरलेस की बात करें तो वो रेडियो वेव्स के ऊपर वर्क करता है दैट्स वाई अगर वायरलेस मॉडर्म है तो वायरलेस मॉडर्म क्या करेगा डिजिटल डेटा को रेडियो सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा और रेडियो सिग्नल्स को फिर से डिजिटल डेटा के अंदर कन्वर्ट करेगा दैट इज मॉड्यूलट एंड डी सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज मॉडर्म